हेलो गाइस, टॉप एंड्रॉयड गेम की सीरीज में आप सभी लोगों का प्रोगेमरएक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मजेदार ओपन वर्ल्ड गेम्स के बारे में जिनका गेम प्ले आपको GTA गेम का जैसा ही सिमिलर देखने को मिल सकता है। साथ ही इनमें से कुछ गेम्स आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन देखने को मिल सकते हैं, जिससे आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी कुछ गेम्स को ऑफलाइन खेल पाओगे। तो दोस्तों, इन्हीं मजेदार ओपन वर्ल्ड गेम्स के बारे में अच्छी तरह से जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे चैनल से रिलेटेड आप किसी भी अपडेट को मिस नहीं कर पाओगे। तो गाइस, बिना देरी के चलिए इस मजेदार ओपन वर्ल्ड गेम्स की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं लॉस एंजेलिस क्राइम गेम से। दोस्तों, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है, जिसके साइज के बारे में बात करें तो इस गेम का साइज 350 MB तक है। और 350 MB के अंदर आपको इस गेम के अंदर बहुत ही अच्छे ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिशन तो कम्प्लीट करने को मिलेंगे ही। इसके अलावा ऑनलाइन गेम होने की वजह से इस गेम को आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी कम्प्लीट कर सकते हो, जिसमें आप कार रेसिंग से लेकर स्टन रेस जैसे अलग अलग तरह के मिशन को अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी एक साथ कंप्लीट कर पाओगे, जो इस गेम को एक बहुत ही शानदार GTA गेम का जैसा ही सिमिलर गेम बना देता है, जिसे आप अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से डाउनलोड करके एंजॉय कर सकते हो। गाइस, वीडियो में जो अगला गेम निकल के आ रहा है उस गेम का नाम है रे बॉक्साडोज एलीट ब्राजील। दोस्तों, ये गेम भी कम्प्लीटली ऑफलाइन ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है, जिसके साइज के बारे में बात करें तो इस गेम का साइज 300 MB तक होता है। और 300 MB के अंदर आपको इस गेम के अंदर ठीक ठाक ग्राफिक्स तो देखने को मिलेंगे ही। साथ ही बात करें इस गेम के ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट की, तो इस गेम के ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में आपको ब्राजील की सिटी का जैसा एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप अलग अलग तरह की कारों का इस्तेमाल करके बहुत सारे मिशन को कम्प्लीट कर सकते हो। साथ ही इसमें आपको कारों को कस्टमाइज करने का भी फीचर दिया गया है, जिससे आप अपने हिसाब से अलग अलग तरह की कारों को कस्टमाइज करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्ट्रीट रेस को विन कर सकते हो, जो इस गेम को एक बहुत ही शानदार ओपन वर्ल्ड गेम बना देता है, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हो। गाइस, नंबर 3 पर जो गेम निकल के आया है उस गेम का नाम है लॉस्ट आइलैंड। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही मजेदार 3D ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है, जिसके साइज के बारे में बात करें तो इस गेम का साइज 100 MB तक है। और 100 MB के अंदर आपको इस गेम के अंदर ठीक ठाक ग्राफिक्स तो देखने को मिलेंगे ही। साथ ही बहुत ही अच्छे ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में आप अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करके इस गेम के ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकोगे। साथ ही सर्वाइव करने के लिए इसमें आपको जंगलों के अंदर अलग अलग तरह के एनिमल्स को हंट करके उनसे बचना पड़ेगा, और अलग अलग तरह की रिसोर्सेस को कलेक्ट करके आप इस गेम के अंदर बहुत सारे लेवल्स को बहुत ही इजीली कंप्लीट भी कर पाओगे, जो इस गेम को एक बहुत ही शानदार ओपन वर्ल्ड गेम बना देता है, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हो। गाइस, नंबर 4 पर जो गेम निकल के आ रहा है उस गेम का नाम है सुप्रीम शैडो फाइटर हीरो। दोस्तों, ये गेम कम्प्लीटली ऑफलाइन ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है, जिसके साइज के बारे में बात करें तो इस गेम का साइज 100 MB तक है। और 100 MB के अंदर आपको इस गेम के अंदर ठीक ठाक ग्राफिक्स तो देखने को मिलेंगे ही। साथ ही अगर आपको ड्रैगन बॉल जी सीरीज बहुत ज्यादा पसंद है तो ड्रैगन बॉल जी सीरीज की तरह ही गोकू का कैरेक्टर आपको इस गेम के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसका इस्तेमाल करके आपको इसके ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर करने के साथ साथ बहुत सारे मिशंस को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। और मिशंस को कंप्लीट करने के लिए आपके कैरेक्टर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप आसानी से एनिमीज को डिफीट करके इस गेम के लेवल को कंप्लीट कर पाओगे, जो इस गेम को एक बहुत ही शानदार ऑफलाइन ओपन वर्ल्ड गेम बना देता है, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हो। गाइस, नंबर 5 पर है गन्स एंड स्पर्स 2। दोस्तों, ये गेम भी कम्प्लीटली ऑफलाइन ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है, जिसके साइज के बारे में बात करें तो इस गेम का साइज 200 MB तक है। और 200 MB के अंदर आपको इस गेम के अंदर बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स तो देखने को मिलेंगे ही। साथ ही बात करें इस गेम के प्लॉट की, तो इस गेम के अंदर आपका कैरेक्टर एक बाउंटी हंटर का होगा, जिसे अलग अलग तरह के बाउंटी मिशंस को कम्प्लीट करना पड़ सकता है। और जितने ज्यादा बाउंटी मिशंस को आप इस गेम के अंदर कम्प्लीट करते हो, उतने
उतने ही ज्यादा पॉइंट्स को अचीव करके आप आगे के मिशंस के लिए यूनिक वेपन से लेकर अलग अलग तरह की एबिलिटी को भी अपग्रेड कर सकोगे, जो इस गेम को एक बहुत ही शानदार ओपन वर्ल्ड फाइटिंग गेम बना देता है, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकोगे। गाइस नंबर 6 पर जो गेम निकल के आ रहा है उस गेम का नाम है सिटी कार ड्राइवर 2020। दोस्तों ये एक कम्प्लीटली ऑफलाइन ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है, जिसके साइज के बारे में बात करें तो इस गेम का साइज 100 MB तक है और 100 MB के अंदर आपको इस गेम के अंदर ठीक ठाक ग्राफिक्स तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही इसके ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में आपको GTA गेम का जैसा ही सिमिलर गेम प्ले देखने को मिल सकता है, जिसमें आप अलग अलग तरह के मिशंस को कम्प्लीट करके इस गेम की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू कर पाओगे। इसके अलावा इसके ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर करने के लिए आपको कार से लेकर मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर जैसे बहुत सारे व्हीकल के ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, जो इस गेम को एक बहुत ही शानदार ओपन वर्ल्ड गेम बना देंगे, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हो। गाइस नंबर 7 पर है अल्टीमेट कार ड्राइविंग सिमुलेटर। दोस्तों ये एक 3D ऑफलाइन ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है, जिसके साइज के बारे में बात करें तो इस गेम का साइज 150 MB तक है और 150 MB के अंदर आपको एक बहुत ही शानदार कार सिमुलेटर गेम देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह की कारों का इस्तेमाल करके स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुँचना पड़ता है और जितने कम समय में और जितनी कार को सेफ चलाकर आप एंड पॉइंट तक इस कार को पहुँचाते हो, उतने ज्यादा पॉइंट्स को आप इस गेम के अंदर कलेक्ट कर पाओगे और कलेक्ट किए गए पॉइंट से आप आगे के मिशंस के लिए बहुत ही अलग अलग तरह की यूनिक कार्स को भी बाय कर सकते हो, जो इस गेम को एक बहुत ही शानदार रियलिस्टिक ड्राइविंग सिमुलेटर गेम बना देता है, जिसे आप आसानी से अपने स्मार्टफोन में प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। गाइस वीडियो में आगे पढ़ेंगे और नंबर 8 पर जो गेम निकल के आ रहा है उस गेम का नाम है बिग सिटी व्हील। दोस्तों बिग सिटी व्हील एक बहुत ही शानदार 3D सिमुलेटर गेम होने वाला है, जिसके साइज के बारे में बात करें तो इस गेम का साइज 200 MB तक होगा और आपको इस गेम के ओपन वर्ल्ड सिटीज के अंदर अलग अलग जगहों पर जाकर कुरियर को डिलीवर करना पड़ता है और जितने फास्ट तरीके से आप इस गेम के अंदर कुरियर को डिलीवर करोगे, आप उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स को कलेक्ट करके इस गेम के आगे के मिशंस के लिए अलग अलग तरह की कारों को बाय कर सकते हो, जो इस गेम को एक बहुत ही शानदार सिमुलेटर गेम बना देता है, जिसमें आपको रियलिस्टिक फिजिक्स भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप भी इस गेम को अपने स्मार्टफोन में ट्राई करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से आप इस गेम को अपने स्मार्टफोन में ट्राई कर पाओगे। गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नंबर 9 पर जो गेम निकल के आ रहा है उस गेम का नाम है प्ले टुगेदर। दोस्तों प्ले टुगेदर एक 3D ओपन वर्ल्ड ऑनलाइन गेम होने वाला है, जिसके साइज के बारे में बात करो तो इस गेम का साइज 500 MB तक है और 500 MB के अंदर आपको इस गेम के अंदर कार्टूनिस्टिक ग्राफिक्स तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ही ऑनलाइन गेम होने की वजह से इस गेम को आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर अलग अलग तरह के मिशंस कंप्लीट करने के लिए खेल सकते हो, साथ ही इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मल्टीप्लेयर गेम प्ले मोड के भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर आसानी से एंजॉय कर पाओगे। तो गाइज अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में एक बहुत ही कैजुअल टाइप का ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हो तो जरूर से इस गेम को आपको अपने स्मार्टफोन में ट्राई करना चाहिए। गाइस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आज के आखिरी गेम का नाम है टैक्सी सिम 2020। दोस्तों ये एक 3D ओपन वर्ल्ड टैक्सी सिमुलेटर गेम होने वाला है, जिसके साइज के बारे में बात करें तो इस गेम का साइज 800 MB तक है और 800 MB के अंदर आपको इस गेम के अंदर बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स तो देखने को मिल जाते हैं, साथ ही इसमें आपका कैरेक्टर एक टैक्सी ड्राइवर का होगा और आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसेंजरों को टैक्सी में पहुंचाना पड़ता है और जितने कम समय में आप टैक्सी से पैसेंजरों को इन पॉइंट तक पहुंचाते हो, उतने ही ज्यादा पॉइंट्स को आप इस गेम के अंदर कलेक्ट करके आगे के मिशंस को अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा व्हीकल कस्टमाइजेशन से लेकर इसमें आपको अलग अलग तरह के बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से अपने स्मार्टफोन में इस गेम को ट्राई कर सकोगे। तो गाइज ये थे कुछ मजेदार ओपन वर्ल्ड गेम्स जिन्हें आप आसानी से अपने एंड्रॉयड डिवाइस पर खेल सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे चैनल से रिलेटेड आप किसी भी अपडेट को मिस नहीं कर पाओगे और कमेंट कर जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा गेम पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।